अगर आपने नोटिस किया होगा तो क्वीन ऑफ टियर्सन सारे ड्रामा में एक चीज़ कॉमन है और वो है पार्क जी यून। पार्क जी यून क्वीन ऑफ टियर्स ड्रामा के राइटर हैं, जिन्होंने इससे पहले माई लव फ्रॉम स्टार, लेजेंड ऑफ द ब्लू सी और क्रैश लैंडिंग ऑन यू जैसे फेमस ड्रामा को लिखा है। इसलिए मैं ड्रामा के अनाउंसमेंट के टाइम से ही इस ड्रामा के लिए बहुत एक्साइटेड था और इस वीक मैंने ये ड्रामा को देख लिया। वेल, ये ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड मार्च 9 को ही आ गया था और मैंने इस ड्रामा को अप्रैल में इसलिए देखा क्योंकि एक दो एपिसोड देखने के बाद मेरा मन नहीं भरता। इस वीडियो में हम ड्रामा के पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं। नंबर 1, ड्रामा की कास्टिंग। ये ड्रामा में हमें किम सो हुन और किम जी हुन साथ में देखने मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। किम सो हुन को हमने ऑलरेडी माई लव फ्रॉम स्टार और इट्स ओके नॉट टू बी ओके ड्रामा में देखा है, बॉसियन रिच फीमेल लीड्स के अगेंस्ट में, एंड वो सारे ड्रामा में हील मेल लीड, इसलिए वो एक परफेक्ट चॉइस है इस ड्रामा के लिए। किम जून को हमने इससे पहले स्वीट एंड इनोसेंट वर्ल्ड में ही देखा है, लेकिन इस ड्रामा में उनका रोल एक सेवेज क्वीन का है एंड सी ऑल्सो नील इट। ये दोनों के अलावा स्पॉटलाइट और एक एक्टर को जाता है, वो है डोंग वोन। तो इन जो ड्रामा में इन्होंने सबका दिल जीत लिया था और ये ड्रामा में भी इनका एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। नंबर 2, स्टोरी लाइन। इस ड्रामा की स्टोरी एक नॉर्मल रोमकॉम ड्रामा से बहुत ही अलग है। ड्रामा में बहुत सारे इमोशंस, थ्रिलर और सस्पेंस होने वाला है, जिसको देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ड्रामा की स्टार्टिंग के एपिसोड में आपको हैप्पी फील होगा पर एंड आते आते आपका इमोशन चेंज हो गया होगा। ड्रामा की स्पॉइलर फ्री स्टोरी की बात करें तो हमारी फीमेल लीड एक कंपनी की सीईओ है और हमारा मेल लीड उसी कंपनी में एक लॉयर है। दोनों के बीच कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है जिससे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए तो आपको ड्रामा ही देखना पड़ेगा। नंबर 3, सेट्स एंड कॉस्ट्यूम। अभी तक ड्रामा के सिर्फ 8 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं और हमारी फीमेल लीड 80 से भी ज्यादा न्यू आउटफिट ट्राई कर चुकी है। इसका मतलब पर एपिसोड आपको 10 न्यू आउटफिट देखने मिलेगा। अगर आपको होटल डेलुना में आयु और इट्स ओके नॉट टू बी ओके में सीओजी का फैशन अच्छा लगता है, तब तो आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगने वाला है। ड्रामा में रिच बैकग्राउंड और एनवायरमेंट होने वाले हैं, जिसको देखने में मजा ही आ जाता है। नंबर 4, एक्टिंग। ड्रामा में सारे कास्ट की एक्टिंग टॉप नॉच है। किम सो हुन आपको एक सीन में रुला सकते हैं तो और एक सीन में हंसा भी सकते हैं। किम जी हुन के लिए ये रोल नया था, लेकिन ड्रामा में उनका एटीट्यूड और स्वैग देख के मजा ही आ जाता है। ड्रामा के एक सीन में हमें बिंग जिनजो का कैरेक्टर देखने मिलेगा और वो देख के वही नॉस्टैल्जिया फील हो जाएगा। ड्रामा में बाकी कास्ट की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, जिसे आप हर एक कैरेक्टर के साथ पर्सनली अटैच हो जाओगे। नंबर 5, रोमांस। ड्रामा में हमारे दोनों लीड्स के बीच का रोमांस माइंड ब्लोइंग है। ड्रामा हमें इनके रिलेशनशिप के डेप्थ तक लेके जाते हैं, जिसको देखने में अच्छा लगता है। बहुत सारे वैसे सीन्स हैं जहां आपको लिटरली रोनाया जाएगा और बैड फील होगा हमारे दोनों लीड्स के लिए। ड्रामा के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जहां हमें लैक ऑफ डेप्थ देखने मिलता है, जिससे हमारे दिमाग में उन कैरेक्टर की बैक स्टोरी जानने के लिए क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाता है। ड्रामा के कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ स्टोरी थोड़ी फास्ट पेसिंग लगता है, जिसे थोड़े बहुत इमोशनल मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको एक रोमकॉम ड्रामा देखना है थोड़े बहुत यूनिकनेस और थ्रिल के साथ, तब आप ये ड्रामा जरूर देख सकते हैं। ये ड्रामा आपको सिखाएगा कि प्यार परफेक्ट नहीं होता और कैसे इम्परफेक्ट लोगों से भी प्यार किया जाता है। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है जहाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर आपने ये ड्रामा देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।